क्लास फोर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर थ्री, कॉमन फ्रैक्शन। एक्सरसाइज नंबर थ्री, पेज नंबर 42। द टॉपिक इज कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर थ्री। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/2। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3/2। स्टूडेंट्स, अगर अपर साइड पर ग्रेटर डिजिट हो और लोअर साइड पर स्मॉल डिजिट हो तो डिवाइड लिया जाता है, तो हम इनका डिवाइड लेंगे। 3 अपर साइड पर जो कि ग्रेटर है उसको डिवाइड के अंदर राइट करते हैं, और 2 जो कि लोअर साइड पर है उसको डिवाइड के बाहर राइट करते हैं। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 3 आए, नहीं आता तो इससे स्मॉल डिजिट आए, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इससे स्मॉल डिजिट 2 आता है। 1 टाइम 2 वन ज़ार 2। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने रिमाइंडर होंगे, 1। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, आप एरो के साइन लगाएंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपने कौन सा डिजिट किस साइड पर राइट करना है। 1 को हमने देखना है कि एरो किस साइड पर जा रहा है, अपर साइड पर, और अपर साइड पर जो 1 था वो कहाँ पर जा रहा है, हॉल साइड पर, और 2 जो था वो किस साइड पर जा रहा है, लोअर साइड पर। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमने कन्वर्ट कर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, 5/3। स्टूडेंट्स, इसका भी हमने रफ वर्क लेना है, डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल पढ़ना है कि 5 आए, नहीं तो इससे स्मॉल डिजिट आए। 1 टाइम पढ़ने से 3 आएगा, 3 वन ज़ार 3। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितने होंगे, 2। इसको भी स्टूडेंट्स हम एरो की हेल्प से मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे। अब 2 को देखना है एरो किस साइड पर जा रहा है, अपर साइड पर, तो 2 को अपर साइड पर लिखेंगे। 1 होल साइड पर आ रहा है तो 1 को होल साइड पर लिख देंगे, और 3 जो है वो लोअर साइड पर आ रहा था तो इसको लोअर साइड पर राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद प्लस 1 राइट करेंगे जो कि अपर साइड पर है, और 3 एज इट इज़ राइट करेंगे। अब इसके बाद इज इक्वल टू बनाएंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन ज़ार 3 प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 को भी हम एज इट इज़ राइट करेंगे। अब 3 में 1 को प्लस करेंगे, 4 होंगे, 4/3। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 2 होल 2/3। इसको भी स्टूडेंट्स हम इसी तरह से राइट करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को प्लस में राइट करेंगे, प्लस 2, 3 एज इट इज़। अब इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू बनाएंगे। अब इसके बाद 6 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितने होंगे, 8, 3 एज इट इज़। स्टूडेंट्स, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस जो आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे और इसके असाइनमेंट सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। मज़ीद समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।